दोस्तों मेरे पास एक एमआई का बैटरी है और ये बैटरी ख़राब है। मैंने इसका जो है आगे का जो प्लेट लगा होता है उसको मैंने निकाला है, और इस प्लेट को निकालने के बाद दोस्तों मैं इस बैटरी को हटा दूंगा और इस बैटरी को इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। और दोस्तों इस प्लेट को जो है मैं इस बैटरी में फिट करूंगा, और फिट करने के बाद जो है मेरे पास एक एमआई का Note 4 है। इसका दोस्तों बैटरी कनेक्टर किसी ने तोड़ दिया है, प्लस इसके ट्रैक भी टूटे हुए हैं। ये देखिए, ये वाले ट्रैक जो है दोनों टूटे हुए हैं। तो इसमें कैसे जोड़ना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों किसी भी एमआई बैटरी में, किसी भी एमआई के फ़ोन में दूसरी बैटरी कैसे लगाना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन का दबा लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। इसको दोस्तों यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं। अब जो है हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे और इसको 20 वोल्ट पे लगाएंगे, चेक करेंगे कि इस बैटरी में वोल्टेज है कि नहीं। तो दोस्तों बैटरी में तो करंट है, और ये बैटरी का करंट जो है यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक करना है हमें। आ रहा है दोस्तों, वोल्टेज भी आ रहा है। सिंपली दोस्तों हमें इसमें जो है आप चार जम्पर करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको जो है थोड़ा से स्क्रैच किए ले रहा हूँ। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिएगा पूरा, ठीक है। दोस्तों हम ये जो जैक का पिन लगा हुआ है मैं इसको जो है रिमूव कर ले रहा हूँ SMD द्वारा। वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप भी पूरा समझा कर बताऊंगा आपको कि कैसे कहाँ पे क्या जम्पर करना है। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा।
अभी जो है दोस्तों इस पे जो है 4 ट्रैक हैं दोस्तों। कैमरा क्लियर नहीं हो रहा है, आपको दिखाऊं कैसे। हाँ दोस्तों इसमें जो है 4 पिन हैं, ठीक है, एक प्लस है, एक माइनस है, और जो दो छोटे छोटे दिख रहे हैं एवेज लाइन है, ठीक है। हमको जो है दोस्तों 4 जंपर करना है, ठीक है। चलिए मैं जंपर फटाफट 4 जोड़े दे ले रहा हूँ, मैं वीडियो पुश कर रहा हूँ जंपर मारने के लिए दोस्तों। दोस्तों मैंने इसके जंपर कर लिए हैं 4, ठीक है। मैंने 4 जंपर मारे हैं इसके छोटे छोटे ट्रैकों पे, जो भी 2 बड़े ट्रैक हो गए और 2 है जो छोटे छोटे हैं। अब इनको दोस्तों हमें सही तरीके से लगाना है, प्लस प्लस इस साइड का है, माइनस इस साइड का है, ठीक है दोस्तों। इसका सही जंपर आपको करना है, ठीक है। दोस्तों जैसे मैंने ये बैटरी सेट की है, मैं आपको बहुत सही तरीका बताने वाला हूँ जो ख़ास बात है। अब जैसे मैंने बैटरी सेट कर दी दोस्तों, अब हमको पहचानना कैसे है कि जो ये माइनस माइनस कौन सा है, प्लस कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा, अब कई किसी किसी बैटरी पे लिखा होता है कि ये प्लस का है, इधर माइनस का है, ये बीच वाला TS पॉइंट है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों सिंपली जो है आपको चेक करने के लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि बैटरी मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगा लेना है, और जैसे यहाँ पे प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे रखा मैंने जो है, तो ये वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रखने से जो है, जैसे अब ये माइनस होगा अगर कहीं पर, तो माइनस माइनस की रीडिंग नहीं देगा, ठीक है, मतलब वोल्टेज ही नहीं बताएगा। और जहाँ पे प्लस का जो सप्लाई होगा वहाँ पे प्लस की सप्लाई बताएगा, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इस वाला ट्रैक प्लस का है और इस ये वाला माइनस का है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने चेक किया, तो देखो दोस्तों ये वाले ट्रैक पर जो है, जो सबसे किनारे वाला ट्रैक है, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये वोल्टेज बता रहा है, इसका मतलब ये वाला ट्रैक जो है ये प्लस का है और ये माइनस है दोस्तों, ठीक है, सिंपली। और इधर पे चेक करने का तरीका आपको मालूम ही होगा, क्योंकि इसको जो है मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाना है, बीप मोड पे, और एक ग्राउंड कर देना है और छुआ कर देखना है। तो जहाँ पे ग्राउंड होगा तो वहाँ पे बीप देगा दोस्तों, और जो ट्रैक होगा प्लस वाला वहाँ पर सप्लाई देगा, ये तो आप जान ही जाते होंगे। सिंपली दोस्तों जंपर करना है। अब वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा दोस्तों, लेकिन जो है मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपको जो है समझाऊंगा, और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे दोस्तों तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कहेंगे वीडियो अच्छा नहीं बनाते हैं, ठीक है, कमेंट मारते हैं फिर तो कि ये समझ में नहीं आया सर वगैरह वगैरह। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है दोस्तों। अब मैं बोर्ड पे जंपर मारने जा रहा हूँ दोस्तों सिंपल तरीके से।
दोस्तों मैंने जम्पर जो है यहाँ पे हर जगह जो है टच कर दिया है। अब दोस्तों इसको चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये बैटरी जो है 100% वर्क कर रही है दोस्तों। ये फ़ोन ऑन जो हो चुका है दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको जो है तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा दोस्तों। देखिए मैंने बहुत सही तरीके से बताया है, तो आपको बिल्कुल बढ़िया समझ कर जो है जम्पर करने हैं। और मेन चीज़ क्या होती है, बैटरी में प्रॉब्लम जब आया करती है तब जो है ये जो बीच वाले जो ट्रैक होते हैं छोटे छोटे, इन पे प्रॉब्लम आया करती है। प्लस माइनस जो है जम्पर देने, जम्पर आप कर देंगे तो वर्क तो करेगा दोस्तों, लेकिन ये बार बार ऑन होगा ऑफ होगा। अगर आपके TS पॉइंट है ना, ये अगर सही तरीके से नहीं लगाए हैं आप या गलत तरीके से लगा दिए हैं तो फ़ोन ऑन होगा ऑफ होगा बार बार, चार्जिंग नहीं शो करेगा वगैरह वगैरह, कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारा ये पूरे तरीके से ऑन हो चुका है, 21% बैटरी चार्ज है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमें जो है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। ओके दोस्तों।